box, click on the paragraph dialog box launcher button on the home tab. The paragraph dialog box will open. सबसे पहले क्या करेंगे आप paragraph dialog box में जाएंगे, launcher button, वो launcher button का कहाँ पे, home tab में. The paragraph dialog box will open. Paragraph dialog box open होगा उसमें. उसके बाद क्या करेंगे, third step is select the indent of spacing. उसमें सेलेक्ट करेंगे, उसका स्पेसिंग सेलेक्ट करेंगे कितना आपको चाहिए. इंटर द रिक्वायर्ड स्पेसिंग इन द बिफोर और आफ्टर स्पाइन बॉक्सेस. उसमें आप बताएंगे कि आपको कितना पहले और कितना बाद में स्पेस चाहिए. अंडर द स्पेसिंग सेक्शन इसमें जाके करेंगे आप, स्पेसिंग सेक्शन में जाके इसको आप सेलेक्ट करेंगे कितना गैप आपको स्पेसिंग में चाहिए. उसमें ऑप्शन दिया होता है लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में, ठीक है. ये सारी चीज़ें आप अपना बता देंगे कि कितना आपको 1 mm चाहिए, 2 mm चाहिए, या फिर जो भी आपको चाहिए. आप यू कैन सिलेक्ट स्टेप ऑफ स्पेसिंग. और लास्ट में क्या करेंगे, स्टेप 4 में जाके आप क्लिक ओके जैसे ही करेंगे आपका वो स्पेसिंग कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपने पहले लिख रखा है पैराग्राफ तो वो पहले वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आपने उसके बाद लिखना है तो वो बाद में भी आप उसको कर सकते हैं. सो इसके बाद देखिए लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. यू कैन ऑल्सो इंक्रीज अ डिक्रीज लाइन स्पेसिंग बिटवीन अ पैराग्राफ. अब लाइन स्पेसिंग में क्या है, लाइन में भी जैसे कि ये आपका लाइन है, ये लाइन और ये लाइन में कितना अंतर है वो आपको स्पेसिंग दे सकते हैं कि इस लाइन से इस लाइन के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए. कुछ लोग होते हैं कि बहुत नज़दीक लिखते हैं, एक लाइन के बीच में बिल्कुल भी दूरियाँ नहीं होती है, पर जब लाइन के दो लाइन के बीच में दूरियाँ होती हैं तो वो दिखने में सुंदर लगता है. तो वो भी इसमें हम लाइन स्पेसिंग भी हम इसमें कर सकते हैं इसकी सहायता से. तो आज हम देखेंगे कि लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको कि लाइन स्पेसिंग कैसे किया जाता है. तो वो भी इसमें आपको आपका MS Word 2016 में वो भी बताया गया है, वो भी हम बताएंगे आपको. टू डू सो फॉलो द स्टेप गिवन बिलो. सो सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. सबसे पहले क्या करेंगे आप, सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप टू इज द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. जैसे ही पैराग्राफ आपका ओपन होगा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, सिलेक्ट द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब. अब क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आप इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब को, उसके स्पेसिंग टैब को आप सिलेक्ट करेंगे. एंड देन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग. उसमें ऑप्शन दिया होगा कि किस कितना आपको लाइन के बीच में दूरी चाहिए, वो आप सिलेक्ट करेंगे. ऑप्शन अंडर द स्पेसिंग सेक्शन, दोनों लाइन के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद लास्ट में जब आपका लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट हो जाएगा, कितना सिलेक्ट करेंगे, कितनी साइज चाहिए आपको दोनों लाइन के बीच में, वो हो जाने के बाद आप स्टेप 3 करेंगे, क्लिक ओके. जैसे ही आप क्लिक ओके करेंगे आपके सारे लाइंस के बीच में जितनी दूरी आनी चाहिए वो दूरियाँ आ जाएगी, वो स्पेसिंग आ जाएगी. सो पेज मार्जिन, अब पेज के बीच में मार्जिन कितना होना चाहिए भाई. तो पेज मार्जिन क्या होता है, पेज मार्जिन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज लेफ्ट फ्रॉम द एज ऑफ द पेज एंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट. इन एम एस वर्ड 2016 यू कैन सेट द मार्जिन ऑन ऑल द 4 साइड ऑफ अ डॉक्यूमेंट. एग्जाम्पल टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट. डिफॉल्ट मार्जिन आर सेट एट 1 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ 1 inches फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द पेजेस. जैसे कि आपके पास पेज है तो पेज के चारों साइड आपने को मार्जिन चाहिए, तो सारे साइड में आपने 1 inch का मार्जिन दे दिया, राइट में, लेफ्ट में और अप में और बॉटम में, सारों में आपने 1 inch का मार्जिन दे दिया. अब इसके लिए क्या करेंगे आप, यू कैन सेट पेज मार्जिन इन द फॉलोइंग 2 ways. हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए 2 तरीके अपना सकते हैं इसमें मार्जिन देने के लिए. फर्स्ट वन इज सेटिंग मार्जिन यूजिंग रूलर बार्स. इसमें हम रूलर बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. टू चेंज द लेफ्ट और राइट मार्जिन पॉइंट. अब हम लेफ्ट और राइट मार्जिन को यूज करने के लिए पॉइंट टू अ मार्जिन बाउंड्री टू द हॉरिजेंटल रूलर. उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका मार्जिन देने के लिए हॉरिजेंटल रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हेन द पॉइंटर चेंज ऑन अ डबल हेडेड एरो ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री एज पर योर नीड. तो जैसे ही हम उस पर डबल क्लिक करेंगे किसी पैराग्राफ पे तो वो हमें दिखाएगा कि हमें ऊपर और नीचे कैसे जाना है. जैसे ही हम उसको अप करेंगे वो ऊपर जाएगा, और जैसे हम डाउन करेंगे वो नीचे जाएगा. इसके बाद टू चेंज द टॉप और बॉटम मार्जिन पॉइंट ऑफ अ मार्जिन बाउंड्री ऑन द वर्टिकल रूलर. व्हेन द पॉइंटर चेंज टू अ डबल हेडेड एरो
ट्रैक द मार्जिन। जैसे कि अगर हमें हमने बताया आपको कि जैसे कि हमने देखा इस तरह का ये होता है, ये मार्जिन आया, ये हमारा इस तरह से बताया इधर से इधर जाने के लिए, और एक हमारा होता है ये मार्जिन जो हमें अप और डाउन जाने के लिए बताता है कि हमें अप और डाउन जाना है। तो ये हमारा हो गया अप और डाउन जाने के लिए। तो ये दो तरह के हम मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट एंड अप एंड डाउन। सो टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट मार्जिन मेजरमेंट टू डू सो फॉलो द स्टेप्स। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, कैसे बनाएंगे हम इसके लिए। सबसे पहले स्टेप वन यूज़ करेंगे, सिलेक्ट द लेआउट टैब। सबसे पहले हम लेआउट टैब रेडी करेंगे, लेआउट टैब यूज करेंगे। लेआउट टैब में जाके स्टेप टू क्या होगा, क्लिक ऑन द मार्जिन ऑप्शन इन द पेज। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द मार्जिन ऑप्शन, मार्जिन ऑप्शन यूज करेंगे। पेज स्टेप्स, पेज स्टेप ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स, द नॉर्मल ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। इसमें ऑप्शन नॉर्मल भी होगा, उसमें सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट एनी प्रीडिफाइंड मार्जिन सेटिंग। अब इसमें क्या होगा, प्रीडिफाइंड मार्जिन सेटिंग होगा। इसमें हम नॉर्मली सेट होता है कि चारों तरफ कितना मार्जिन होना चाहिए, और आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितना मार्जिन चारों तरफ चाहिए। आप चाहेंगे कि पेज के चारों तरफ आपको एक इंच का मार्जिन चाहिए, यू कैन सिलेक्ट वन इंच मार्जिन और फोर साइड्स, और यू कैन डू लाइक दैट। सिलेक्ट द कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन आप सेट करेंगे। सिलेक्ट सेकंड स्टेप इज टाइप द वैल्यूज फॉर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। आप सिलेक्ट करेंगे चारों तरफ का मार्जिन, कितना आपको मार्जिन चाहिए, एंड गट अ मार्जिन ऑफ क्लिक द स्पिन बॉक्सेस टू सेट द मार्जिन। अब हम स्पिन बॉक्स को भी सेट कर देंगे कि कितना मार्जिन हमें चारों तरफ पेज में चाहिए। सिलेक्ट स्टेप थ्री इज इन द अप्लाइंग और ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज द ऑप्शन होल डॉक्यूमेंट। अब हमने चारों तरफ अप्लाई कर दिया, डाउन लिस्ट चूज द ऑप्शन होल डॉक्यूमेंट। उसके बाद जब हमने चारों साइड्स का मार्जिन सेट कर दिया, लास्ट में हम क्या दिखाएंगे स्टेप फोर में, कि जैसे हम ओके करेंगे आपका चारों तरफ का साइड का मार्जिन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे तो आपको जितना मार्जिन छोड़कर ही आपका जो टेक्स्ट होगा वो लिखने में यूज़ होगा, बाकी सारा जो मार्जिन छोड़ा रहेगा उतने में आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और वो दिखने में जब इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड लुक्स, इट्स लुक वेरी नाइस। सो आफ्टर दैट पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, द पेज ओरिएंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू सेट द प्रिंटिंग डायरेक्शन। ये क्या होता है, जैसे हम पेज का इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंटिंग डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑन द टेक्स्ट। द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट इन विच डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, वेन वी चूज लैंडस्केप ओरिएंटेशन द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। तो जब इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो जब हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रिंटिंग में जब हमारा पेज जाता है तो हमें कितना मार्जिन और कितना क्या क्या छोड़कर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सो चेंज द पेपर ओरिएंटेशन फॉलो द गिविंग स्टेप। हमें पेज ओरिएंटेशन के लिए क्या क्या स्टेप यूज़ करना चाहिए हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन लेआउट टैब। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, लेआउट टैब होगा, लेआउट टैब में हम क्लिक करेंगे सबसे पहले। सेकंड स्टेप इज नाउ क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन बटन इन द पेज स्टेप। अब हम ओरिएंटेशन बटन में क्लिक करेंगे, ओरिएंटेशन बटन को क्लिक करेंगे, वहां पे ऑप्शन होगा पेज स्टेप ग्रुप पे जाएंगे। स्टेप फोर चूज द लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अब हम लैंडस्केप मतलब लैंडस्केप होता है चौड़ाई, और फ्रॉम द ड्रॉप लिस्ट नीचे की तरफ जाता है। यू कैन नाउ सी द चेंज इन द पेज ओरिएंटेशन। अब हम अपने पेज को ओरिएंटेशन देखेंगे, उसकी पूरी साइज को देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं। तो ये आपका पेज ओरिएंटेशन हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा प्री व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट। प्री व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट में क्या होता है, इन वर्ड 2016 यू कैन प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। जैसे कि आपको जब आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं, कोई पेज रेडी कर लेते हैं लिखकर, तो आपको देखना होता है कि वो आपका पेज सही से क्या दिख रहा है या नहीं, कोई वर्ड आगे तो नहीं है, कोई कहीं कोई वर्ड बाहर तो निकला है, कोई बुलेट इधर तो नहीं निकला है, कोई बुलेट आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। तो वो हम कहाँ देखते हैं, प्रीव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट में, जैसे कि जो भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट के पहले उसको देख देते हैं कि वो हमें प्रीव्यूइंग में सही दिख रहा है या पेज वो सही आ रहेगा प्रिंटिंग में या नहीं।
तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टू प्रिव्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. फर्स्ट वी हैव टू फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द फाइल टैब. सबसे पहले हम फाइल टैब में चेक कर